योग माया समावृता अहम्। योग माया से ढका हुआ मैं सर्वस्य प्रकाशः न सबके लिए प्रकट नहीं हूँ। अयम मूढ़ा लोको यह मूर्ख बना यह संसार। माम अजम अव्ययम न अभिजानाति मुझ अजन्मा अविनाशी को नहीं जान पाता। योग माया समावृता अहम सर्वस्य प्रकाशः न अयम मूढ़ा लोको माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। भावात योग माया से ढका हुआ मैं शिव ज्योति समान बना शिव प्लस बाबा सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ। यह शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों देखिए गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक से। मूर्ख बना यह संसार मुझ अजन्मा दिव्य जन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जान पाता। तो जो गुप्त है सबको अनिश्चय बुद्धि में ला देता है अपने विचित्र पार्ट के कारण। कैसा पार्ट, कौन सा फल प्रसिद्ध है? नारियल। रियल है कि नारियल है पार्ट है? जो पार्ट वो बजाता है जिसकी यादगार शिव के मंदिरों में रखी हुई है, कोणार्क मंदिर के बाहर देवताओं की वो यादगार दिखाई गई है, वो रियल पार्ट है या अनरियल है? है हाँ, वो नारियल पार्ट है। नारियल एक है या अनेक है? है वो नारियल कहाँ पैदा होते हैं? है अरे नॉर्थ इंडिया में पैदा होते हैं या साउथ इंडिया में? तो उस नारियल का प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहाँ होता है? है पहले विदेश में, भारत के विदेश में होता है या स्वदेश में होता है? पहले भारत में होता है, दक्षिण भारत में। भले बेचारे भाषा भी नहीं जानते हैं तो भी भगवान बाप को पहचान लेते हैं। तो कहाँ जन्म होता है? हैं? दक्षिण भारत। कौन से फल का? नारियल का। बाहर से देखेंगे तो बड़ी उलझी उलझी जटाएं हैं। नारियल की जटाएं कैसी होती हैं? हैं? उलझी या सुलझी हुई? बड़ी उलझी उलझी जटाएं हैं। और आत्माएं महामृत्यु के समय इस सृष्टि पर अपने शरीर से रहती ही नहीं, सबके शरीर अव्यक्त हो जाते हैं, उसका शरीर व्यक्त रहता है, जिसके किए लिंग की पूजा होती है। किसके लिंग की पूजा होती है? है शिव के लिंग की पूजा होती है। शिव को लिंग होता है, है? शिव के लिंग की पूजा नहीं होती। शिव समान जो स्टेज धारण कर लेता है उसके लिंग की पूजा होती है। उसका लिंग है, लिंग से उस भ्रष्ट कर्मेंद्रिय से कर्म भी करता है, लेकिन कर्म करते हुए भी योग बल के आधार पर स्टेज कैसी है? निराकारी या देह अभिमान वाली? निराकारी स्टेज। लिंग से जो भी कर्म करता है उसका कोई सुख नहीं भोगता, सुख भोगता है तो जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। सुख भोगने वाला दुख भी भोगता है,
तो सुख दुख से दोनों से उस स्टेज में न्यारा हुआ या अटैचमेंट वाला हुआ? न्यारा हुआ। तो जैसे शिव है कर्म से न्यारा है, अच्छा कर्म करने से भी न्यारा है और पाप कर्म करने से भी न्यारा है। वो अकर्ता है, कौन? शिव निराकार। उसको अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का कोई बंधन नहीं लगता। जैसे वो अकर्ता है वैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आता है तो कोई अव्वल नंबर एक आत्मा को मना अपने बड़े बच्चे को वो सारी ताकतें प्राप्त कराए देता है। जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है होनी ही चाहिए, वो सारी ताकतें अगर हैं तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर विश्व पिता कहा जाता है, विश्वनाथ कहा जाता है। सारे विश्व धर्मों की सभी आत्माओं को नाथने वाला कहा जाता है। मनुष्यों ने तो और ही अगरम बगरम की कहीं लिख दिए हैं, जिन्हें सुन करके पढ़ करके तुम कितने बेसमझ बन गए। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम कैसे बेसमझ बन गए? तो बाबा कहते हैं, बच्चे ड्रामा अनुसार ये वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद यज्ञ तप दान पुण्य करके देखो तुम कितने मूर्ख बन गए हो। गीता भी पढ़ी है ना, तो गीता पढ़ते पढ़ते भी कितने मूर्ख बन गए। कितना मूर्ख बनाया है इन टीकाकारों ने। परंतु गीता में तो भगवान वाच ही कहते हैं ना, भगवान एक और टीकाएं अनेक हो गई। तो वो गीता पढ़ते पढ़ते तुम कंगाल बन गए। अभी तो ये बाप आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। जैसे वो धर्म पिताएं आए तो उन्होंने कोई बाइबल कुरान आदि थोड़ी लिखी, वो तो डायरेक्ट उन्होंने सच्चा सच्चा सुनाया। वो अपने तरीके से सच्चा सुनाया। बाद में उनके शास्त्र बने। यहां भी तुम मुख्य गीता को उठाएंगे, और गीता के साथ हैं ये दंत कथाएं, शास्त्र उपनिषद आदि, उनके बाल बच्चे, और उन शास्त्रों आदि में कुछ भी नहीं है। अगर होता तो ये समझा देते ना। कि रचयिता कौन है और रचना क्या है, रचना का ड्यूरेशन क्या है,